की ओर जो लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली का दौरा करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे सहारनपुर के सरसावा पहुंचेंगे सीएम। 10:20 पर आगमन करेंगे। पुलिस लाइन सहारनपुर पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 2 विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम। 12:30 बजे विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। 3:15 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के जानसठ और शामली के बंतीखेड़ा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये पूरा कार्यक्रम है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली का दौरा करेंगे सीएम योगी। 3:15 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि सीएम योगी का आज पूरा कार्यक्रम है, जहां मुजफ्फरनगर के जानसठ और शामली के बंतीखेड़ा में भी पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरा कार्यक्रम है, जहां वे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान आपको बता दें कि बहुत सी परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। लखनऊ से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सीएम योगी का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली दौरा है। आप बता दें कि सुबह 10 बजे सहारनपुर के सरसावा पहुंचेंगे सीएम योगी, जिसके बाद 10:20 पर आगमन और पुलिस लाइन सहारनपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद 2 विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 12:30 बजे विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक के बाद 3:15 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वे विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी के दौरे पर है, मुजफ्फरनगर, शामली के दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का ये पूरा कार्यक्रम है, जो हम आपको बता रहे हैं, जहां वे आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के दौरे पर है, जहां वे कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आज का ये उनका पूरा कार्यक्रम है, जहाँ वे निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली का आज के आज दौरे पर है सीएम योगी, जहां वे सुबह 10 बजे सहारनपुर के सरसावा पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:20 पर यहां आगमन करेंगे और पुलिस लाइन सहारनपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे वहां पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जहां बैठक में वो 2 विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसके बाद 12:30 पर विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे, जिसके बाद 3:15 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम। मुजफ्फरनगर के जानसठ और शामली के तंतीखेड़ा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली के दौरे पर हैं, जहां वे दौरे पर इस पर हमारे साथ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली के दौरे पर है सीएम योगी, जहां 10 बजे सरसावा पहुंचेंगे। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी जी। दिनेश जी, आज का जो सीएम योगी का ये पूरा कार्यक्रम है, जहां वे विकास परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे, तो इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? मुजफ्फरनगर के जानसठ और दंतेखेड़ा पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का ये आज का पूरा कार्यक्रम है।
आपको बता दें जहां वे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली का दौरा करेंगे और दौरा करने के साथ ही वे विकास परियोजनाओं के समय का निरीक्षण भी करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली के दौरे पर हैं सीएम योगी, जहां सुबह 10 बजे वो सहारनपुर के सरसावा पहुंचेंगे। सरसावा पहुंचने के बाद 10:20 पर वहां आगमन करने के बाद पुलिस लाइन सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान वो दो विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी, और इसके साथ ही 12:30 बजे विकास कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। उसके बाद 3:15 पर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वे विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुजफ्फरनगर के जानसठ और शामली के दंतीखेड़ा में भी पहुंचेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि ये सीएम योगी का आज का पूरा कार्यक्रम है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश, स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी। दिनेश जी, ये जो आज सीएम योगी का जो पूरा कार्यक्रम है, जहां वे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर हैं, जहां वे कई विकास परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और समीक्षा बैठक में भी भाग लेंगे, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल स्वाति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां चल रहे विकास कार्यों की, परियोजनाओं की, योजनाओं की स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, साथ में अधिकारियों के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायक और उस क्षेत्र के मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दूं स्वाति कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, इन 3 जनपदों का दौरा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी, अयोध्या सहित कई जनपदों का स्थलीय निरीक्षण, मंडली दौरा कर चुके हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, जहां 3 जनपदों का, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जनपदों में चल रहे विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं का लोगों तक, वो योजनाएं लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, उनको मिल रहा है कि नहीं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां के जनप्रतिनिधि और वहां के मेयर सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों का स्थलीय परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ, मंडल के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। जहां विकास कार्यों में ढिलाई हो रही, अधिकारियों की वजह से जहां काम रुका है या नहीं हो रहा है, उन अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और उसको तेज गति प्रदान करने का निर्देश भी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा बहुत अहम है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरफ जहां बारिश की वजह से किसान, बारिश न होने की वजह से सूखाग्रस्त कई उत्तर प्रदेश के कई जनपद हो गए हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से भी ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे के दौरान किसान के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश नहीं हुई है, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से या किसान के नेताओं से मुलाकात करेंगे और सूखाग्रस्त, जहां बारिश नहीं हुई है, जो जनपद सूखाग्रस्त होगा, घोषित होगा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ कोई रणनीति बना सकते हैं, उनको सूखाग्रस्त जनपद घोषित कर सकते हैं और किसानों को इसका लाभ कैसे मिलेगा उसकी भी रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बना सकते हैं। जी स्वाति जी, बिल्कुल दिनेश जी। दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी का दौरा है, जहां पर वे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शाती शामली के दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, जहां वे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप
की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।